भिक्षुओं प्रतिनिधियों के प्रतिनिधियों का दल चेन्नई रवाना। सावित्री बाई फुले 3 जनवरी 1831 10 मार्च 1897 भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, समाज सुधारिका एवं मराठी कावित्री थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। वे प्रथम महिला शिक्षिका थीं। उन्हें आधुनिक मराठी काव्य के अग्रदूत माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों ने की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्री बाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। सावित्रीबाई फुले और उस दौर में ना सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ाने का भी बंदोबस्त किया। वे पुणे जैसे शहर में 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई फुले प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूट से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण